गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सीजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये नए बैचेस शुरू हुए हैं जिसमें ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको पता है, ऑलरेडी अवेयर होंगे, आपके जो जनरल पेपर है उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, कई सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक सेक्शन है जनरल स्टडीज का, या कहें सोशल स्टडीज का या जनरल नॉलेज का। तो उसमें जीएस पोर्शन के अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जीएस वाले सेगमेंट का आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, आई होप यू सभी आप अवेयर होंगे इस चीज को लेकर। जो भी स्टूडेंट हैं, सुनीता, जो भी स्टूडेंट हैं, कमेंट करके कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी, इसका हिंदी मीनिंग होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, ठीक है। और पॉलिटी की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है? पॉलिटी की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कहां से मानी जाती है? ये सवाल है, पॉलिटी की स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, एंशियंट ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में यानी कि प्राचीन यूनान, वहां पे एक सिटी स्टेट हुआ करता था। सिटी स्टेट यानी जिसे हिंदी में कहेंगे नगर राज्य, नगर राज्य हुआ करता था। वहां पे एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनका नाम था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तू। अरस्तू ने बहुत विचार दिए पॉलिटिक्स को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर, ठीक है। तो अरस्तू ने एक अपनी बुक लिखी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे सभी। अरस्तू ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स। क्या नाम था? द पॉलिटिक्स। ये अरस्तू की एक फेमस बुक है। तो द पॉलिटिक्स जो बुक है, यहीं से शुरुआत मानी जाती है आपकी पॉलिटी की। द पॉलिटिक्स जो किताब है, यहीं से शुरुआत मानी जाती है पॉलिटी की। अब द पॉलिटिक्स लिखने से पहले अरस्तू ने क्या किया, जो वहां पे छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा सिटी स्टेट कौन सा था जहां के अरस्तू रहने वाले थे? एथेंस। एथेंस जो है सबसे बड़ा सिटी स्टेट था। तो जो सिटी स्टेट वहां हुआ करते थे, तो अरस्तू ने क्या किया, 158 सिटी स्टेट, 158 नगर राज्यों का जो संविधान हुआ करता था, छोटा छोटा संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, उसकी कंपैरेटिव स्टडी की। कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अध्ययन किया उन्होंने, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद अपनी एक किताब लिखी जिसको हम जानते हैं द पॉलिटिक्स के नाम से, और द पॉलिटिक्स से ही पॉलिटिक्स की, पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है। तो ये एक सवाल है, पूछा जाता है कि पॉलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? द पॉलिटिक्स से मानी जाती है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है,
गवर्नमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यानी कि सरकार। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि क्या सरकार कोई एक व्यक्ति चलाता है, कोई इंडिविजुअल चलाता है, या बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं? तो आंसर होगा इसका कि गवर्नमेंट जो होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेंस लोगों का समूह होता है, ये पूरा लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह। ठीक है जी। तो अब कौन कौन से वो लोग होते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जो ओवरऑल काम को देखते हैं किसी भी कंट्री में? अब देखिए, यहां पे हम बात करने वाले हैं अब ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कि सरकार की शाखाएं, सरकार की शाखाएं, सरकार की शाखाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो कई शाखाओं से मिलकर बनी होगी। अब इसमें जो शाखाएं आएंगी आपकी वो तीन आएंगी, इसमें जो शाखाएं आएंगी आपकी वो तीन आएंगी। पहला लेजिस्लेचर, पहला लेजिस्लेचर, दूसरी जो ब्रांच होगी गवर्नमेंट की वो होगी एग्जीक्यूटिव की, दूसरी जो ब्रांच होगी वो होगी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जो ब्रांच होगी वो होगी जुडिशरी। ये तीन ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की। अब यहां देखेंगे हम, लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर को हिंदी में कहेंगे विधायिका, और एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका, और जुडिशरी को हिंदी में कहेंगे न्यायपालिका। अब इनका मीनिंग क्लियर होना जरूरी है कि तीनों का काम क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पर, तीनों का काम क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो इसका एक काम होगा लॉ फॉर्मेशन का, लॉ फॉर्मेशन, यानी कि कानून बनाना। क्या? कानून बनाना। तो आपको एक सवाल का जवाब मिल गया, देश के अंदर कानून कौन बनाएगा? देश के अंदर कानून बनाएगी उस देश की विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है, कार्यपालिका का काम हो गया वही। कार्यपालिका का क्या काम हो गया कि जो लॉ विधायिका ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना। तो लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी का, लॉ इंप्लीमेंटेशन, यानी कि कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। तीसरा जो है सेगमेंट, जो ब्रांच है इसकी, वो है न्यायपालिका। इसका काम है चेक करने का कि जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। एक तो ये काम हो गया, दूसरा जस्टिस प्रोवाइड करने का काम, चेक करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों को न्याय प्रदान करना। ठीक है जी। तो ये तीन ब्रांचेस होती हैं सरकार की। यहां तक क्लियर है? जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार बताएंगे, यहां तक क्लियर है? फिर हम आगे मूव करते हैं। यहां पे ध्यान रखना, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उस कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है,
किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी देश को रन, देश की पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए उस देश का एक फंडामेंटल लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था, आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, हमारे देश का सुप्रीम कानून, सर्वोच्च कानून क्या हो गया, संविधान हो गया। सुनीता, क्लियर हो रहा है सुनीता जी? बिल्कुल, इंट्रोडक्शन क्लास है आपके, जो जीएस वाला सेक्शन है उसकी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये पहली क्लास है, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट है कमेंट करके बताइए, डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे तुरंत। इतना क्लियर है, आगे चलेंगे। लेजिस्लेचर, एग्जेक्यूटिव और जुडिशरी, तीन शाखाएं होती हैं किसी भी सरकार की। इन तीनों का काम मैंने आपको बता दिया। विधायिका का काम कानून बनाने का होता है, जो देश में हमारे कानून बनते हैं वो कौन करता है, विधायिका करती है। अब विधायिका में क्या आता है वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ फॉर्म किया गया है, कानून बनाया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जेक्यूटिव का है। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका क्या करती है, ये पहले चेक करेगी कि जो कानून बना है वो संविधान के अकॉर्डिंग है, सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। दूसरा, जस्टिस प्रोवाइड करने का, हम कहीं शिकायत करते हैं, केस करते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहां पे हमें न्याय दिया जाता है, तो वो हो गया जस्टिस। आगे चलें, अब देखिए लेजिस्लेचर को देख लेते हैं। लेजिस्लेचर जो पहली ब्रांच है, लेजिस्लेचर, अब मुझे आप बताइए, कानून पूरे भारत में भी बनाए जाते हैं जो पूरे भारत में लागू किए जाते हैं, और कानून एक किसी एक राज्य के अंदर भी बनाए जाते हैं जो उस राज्य में लागू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो कानून बनाया जाएगा वो हरियाणा में लागू होगा, राजस्थान में तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी इंडिया के लिए कानून बनाया जा रहा है तो वो पूरी इंडिया में लागू होगा। तो विधायिका पूरे भारत के लिए अलग होती है, सेपरेट, और हर स्टेट के लिए अलग होती है। स्टेट वाली जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट के लिए कानून बनाने का काम करेगी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है यानी कि केंद्र वाली विधायिका है वो पूरे भारत के लिए लॉ बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका और दूसरी कैटेगरी लेजिस्लेचर की होगी, उसे हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जो हर राज्य की अलग होगी, स्टेट लेजिस्लेचर। जिसे हम कहेंगे राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। सुनीता जी, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए साथ ही साथ। ठीक है जी, तो लेजिस्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, और फिर होगी स्टेट लेजिस्लेचर जो एक राज्य के लिए कानून बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर हर राज्य की अलग होती है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या आता है, आपने सुना होगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, हमारे देश की केंद्रीय विधायिका है, जिसे हम संसद कहते हैं, जिसे हम संसद
कहते हैं। कहां पर है संसद? नई दिल्ली में। देश की राजधानी नई दिल्ली में है। अब जो संसद है वो तीन लोगों से मिलकर बनी होती है। समझेंगे इसको। जो संसद है वो तीन लोगों से मिलकर बनी होती है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तीसरा प्रेसिडेंट। तो संसद तीन लोगों से मिलकर बनी होती है, ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कहा गया है आर्टिकल आर्टिकल 79 में कहा गया है कि हमारी जो संसद होगी वो तीन, उसके ऑर्गन्स होंगे, तीन अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है जी। वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसके भी तीन अंग होंगे, इसके भी तीन अंग होंगे, सेम सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह। तो लोकसभा की जगह यहां लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा। लोकसभा की जगह यहां क्या आ जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा की जगह आ जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रेसिडेंट की जगह आ जाएगा यहां पे गवर्नर। ठीक है जी। राज्य की जो विधायिका होती है उसके भी तीन अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में कहेंगे विधानसभा, विधानसभा इंग्लिश, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहेंगे विधान परिषद, विधान परिषद, और गवर्नर को आपको पता ही है इसको कहेंगे राज्यपाल। इसके भी तीन अंग होते हैं। ये आपकी हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपका हो गया लेजिस्लेचर। केंद्र का अलग, राज्य का अलग। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट पूछ लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सुनीता जी बताइए एक बार, यहां तक क्लियर है चीजें? अब देखिए, समझिए। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होंगे उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में इसको कहते हैं एमपी, और हिंदी में इसको कहते हैं सांसद। सांसद का वोट देने जाते हैं आप? बिल्कुल जाते होंगे। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है इनको, यानी कि एमपी, सांसद। बस इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं या राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य के अंदर विधानसभा होती है, इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में इसको एमएलए कहते हैं, एमएलए, और हिंदी में इसको विधायक कहते हैं, जिसका वोट देने आप जाते हैं। ठीक है जी। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और शॉर्ट में इनको एमएलसी कहते हैं, एमएलसी, और हिंदी में इसको विधायक ही कहते हैं, हिंदी में इसको भी विधायक कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिए। जी सुनीता जी, आर्टिकल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ये समझिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी बात बोली जा रही है ना, तो उसके लिए एक अलग आर्टिकल होता है कि ये बात बोली गई है, तो उसका प्रूफ किसमें है, किसमें बोली गई है? आर्टिकल 79 में बोली गई है। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स हैं, हर चीज जो बोलते हैं वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा आपसे, आर्टिकल 79, जो अनुच्छेद 79 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बात कही गई है कि हमारी जो पार्लियामेंट होगी वो इन तीन से मिलकर बनी होगी। ठीक है, क्लियर है? जैसे हम बुक पढ़ते हैं, बुक, तो बुक में लिखा रहता है कि इस चैप्टर में ये लिखा है, तो हम सामने वाले को कैसे बताते हैं कि चैप्टर 3 में ये लिखा है या चैप्टर 4 में ये लिखा है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर में डिवाइड है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर चैप्टर के अंदर आर्टिकल में डिवाइड है कि कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल, बुक बुक के लिए हम बोलते हैं कि इस पेज नंबर पर ये बात लिखी हुई है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल जो 79 है उसमें ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट जो होगा उसके तीन अंग होंगे, तीन ऑर्गन होंगे, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्लियर है सुनीता जी? अब देखिए, यहां पे दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। पहला, बाई कैमरल सिस्टम। क्या होता है बाई कैमरल? बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है, यानी कि द्वि सदनीय व्यवस्था, इसको क्या कहेंगे? द्वि सदनीय व्यवस्था या प्रणाली। और दूसरा कॉन्सेप्ट निकलता है यूनिकैमरल सिस्टम, यूनिकैमरल सिस्टम, इसका मतलब होता है एक सदनीय व्यवस्था। एक सदनीय व्यवस्था। अब समझिए ये दो कॉन्सेप्ट क्या हैं, आप समझेंगे ये दो कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो देखिए, भारत में केंद्र के लेवल पर कितने सदन हैं? संसद में पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दो सदन हैं। तो जहां दो सदन काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जहां दो सदन काम कर रहे हैं उस प्रणाली को, उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? द्वि सदनीय व्यवस्था। तो बताइए, भारत में केंद्र के स्तर पर द्वि सदनीय व्यवस्था है या नहीं? भारत में सेंट्रल लेवल पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है या नहीं? तो बिल्कुल है जी, क्योंकि मैंने बताया बाई कैमरल सिस्टम वो होता है जहां पर दो हाउस काम कर रहे हों, दो सदन काम कर रहे हों। तो सेंट्रल लेवल पर दो हाउस काम कर रहे हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सेंट्रल लेवल पर बाई कैमरल सिस्टम चलता है इंडिया में, सेंट्रल लेवल पर इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम चलता है, इस बात को मानते हैं आप।
ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मूव करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस हैं, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जिन राज्यों में, समझिए ध्यान से, जिन राज्यों में ये दोनों हाउस काम कर रहे हैं, उन राज्यों की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाएगा, बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जितने भी राज्य हैं भारत में, उन सभी राज्यों में ये दोनों हाउस काम नहीं करते हैं। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों हाउस काम करते हैं, बचे हुए और राज्यों में सिर्फ एक हाउस चलता है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वो हाउस है जो इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, इवन कुछ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, उनमें ये लेजिस्लेटिव असेंबली कंपलसरी चलेगा। सब में लेजिस्लेटिव असेंबली तो कंपलसरी है सभी राज्यों में भारत में। दूसरा जो हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ 6 राज्यों में चलता है। ठीक है, अब वो 6 राज्य कौन से हैं? तो ध्यान देंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, इसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर दोनों हाउस काम करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह होता है, तो वो यहां पे भी है। इसके अलावा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इन 6 राज्यों में काम करता है। बाकी के जो राज्य बचे, वहां सिर्फ एक हाउस काम करेगा, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन 6 राज्यों में ये दोनों काम करते हैं। बाकी के राज्यों में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन 6 राज्यों में दोनों हाउस काम कर रहे हैं, यानी कि हम कहेंगे इन 6 राज्यों में कौन सा सिस्टम चल रहा है, बाईकैमरल या यूनिकैमरल? तो बाईकैमरल सिस्टम इन 6 राज्यों में चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां दो हाउस काम कर रहे हों उसे बाईकैमरल सिस्टम कहेंगे, और जहां पर एक हाउस काम कर रहा हो उसे यूनिकैमरल सिस्टम कहेंगे। तो इन 6 राज्यों में दोनों सदन काम कर रहे हैं, दैट इज बाईकैमरल सिस्टम। एंड इनके अलावा जो राज्य बचे, उनमें सिर्फ एक हाउस काम करता है, तो उन राज्यों की व्यवस्था को हम यूनिकैमरल व्यवस्था कहेंगे, यूनिकैमरल सिस्टम कहेंगे, बाईकैमरल सिस्टम नहीं कहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। एक बार कमेंट करके बताइए अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है तो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए कमेंट करके, इतनी चीज क्लियर है? यहां तक जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो क्लियर है, एक बार बता देंगे। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, पहली क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, ये इस वाली स्लाइड में हमने लेजिस्लेचर के बारे में देखा कि लेजिस्लेचर सेंटर के लिए अलग होती है, स्टेट के लिए अलग होती है। क्लियर है? अब लेजिस्लेचर के बाद दूसरी ब्रांच आती है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, ये दूसरी ब्रांच है सरकार की, सरकार की दूसरी ब्रांच का नाम है कार्यपालिका। क्लियर है जी? दूसरी ब्रांच का नाम है कार्यपालिका। अब इसमें देख लेते हैं क्या आता है। तो सेम देखिए, अगर केंद्र स्तर पर कानून बन रहा है तो
राज्य स्तर पे भी कानून बन रहा है, और कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, तो लेजिस्लेचर सेंटर की सेपरेट हो गई, इस स्टेट की सेपरेट हो गई। अब एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बन रहा है उसको लागू करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना। तो लॉ इंप्लीमेंट इंडिया लेवल पे भी किए जाते हैं और स्टेट के अंदर भी किए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव भी दो जगह काम करेगी, एक होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो भारत में काम करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इंडिया लेवल पे काम करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका, और दूसरी है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसमें आता कौन है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन से मेंबर आएंगे, तो ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहां भी आएगा यानी कि राष्ट्रपति, और फिर 22 प्रेसिडेंट, 22 प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और फिर जो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और इसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे शॉर्ट में कहेंगे COM, COM, और हिंदी में इसको कहते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अब ये मंत्रिपरिषद कौन होता है भाई, मंत्रिपरिषद भारत सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मंत्रालय तो रेल मिनिस्टर हो गया उसका रेलवे मिनिस्टर, कृषि मंत्रालय तो उसका मिनिस्टर जो कौन होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद में आते हैं सभी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये दोनों जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे। और ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लोग आ जाएंगे, और इनके अलावा एक और व्यक्ति आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता, इसे आप याद रखिए, सरकारी वकील, भारत सरकार का जो वकील होगा लॉयर, सरकारी वकील जो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखता है वो भारत सरकार का वकील होता है, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सारे लोग जो है केंद्रीय कार्यपालिका में आएंगे, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है आगे की क्लास में, केंद्रीय कार्यपालिका में ये सब आएंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं वही स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका में कौन आएगा, केंद्र की में तो देख लिया हमने कौन आएगा जो कानून को लागू करेंगे, अब राज्य कार्यपालिका में कौन आएगा, राज्य कार्यपालिका में तो देखिए प्रेसिडेंट की जगह यहां गवर्नर आ जाएगा यानी कि राज्यपाल, और प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाएगा यानी कि मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री के साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री बनाए जाएंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, COM यानी कि मंत्रिपरिषद, राज्य के अंदर की मंत्रिपरिषद। और राज्य के अंदर जो मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री, और केंद्र के लेवल पे जो मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है जी, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का वकील हो गया, वैसे ही राज्य सरकार का एक वकील होता है उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का सरकारी वकील, राज्य का सरकारी वकील।
तो इस प्रकार ये कार्यपालिका भी दो भागों में बटी हुई है, केंद्र सरकार की अलग कार्यपालिका है और राज्य सरकार की अलग कार्यपालिका है। क्लियर है? ये सारे टॉपिक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब हम आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब लेजिस्लेचर हो गया, एग्जेक्यूटिव हो गया, जुडिशरी आता है। तीसरी जो शाखा है सरकार की वो है जुडिशरी। यानी कि न्यायपालिका। ये तीसरी शाखा है सरकार की। तीसरी शाखा हो गई जुडिशरी। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन होता है, जिस प्रकार लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका भारत की अलग और राज्य की अलग होती है, और कार्यपालिका भारत की अलग राज्य की अलग होती है, लेकिन जुडिशरी पूरे भारत के लिए एक होती है, ये अलग अलग नहीं होती। तो यहां याद रखेंगे, इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो न्यायपालिका पूरे भारत के लिए एक होती है। न्यायपालिका पूरे भारत के लिए एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती कि राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, एक ही होती है। अब ये क्या, इसमें टॉप पर तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, टॉप पर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत में सुप्रीम। ठीक है? उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो आपके जिला में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आ जाएंगे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबसे नीचे आएंगे। ठीक है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं जिनमें आप केस फाइल करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है? इसमें याद रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, डिसीजन होगा, उसको मानने से इनकार इनमें से कोई भी नहीं करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सभी निचली अदालतों को मानना पड़ेगा। जो लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे कोर्ट्स आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि इंडिया में जो न्यायपालिका है वो पूरे भारत के लिए एक होती है, अलग अलग नहीं होती। जिस प्रकार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हम बांट देते हैं
सेंट्रल के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, उस प्रकार जो है जुडिशरी को नहीं बांटेंगे, जुडिशरी पूरे भारत के लिए एक होती है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि भारत में सरकार के स्तर क्या है, सरकार कितने स्तर पर काम करती है, सरकार के स्तर कितने स्तर पर भारत में सरकार काम करती है। तो याद रखेंगे भारत में सरकार तीन लेवल पर काम करती है। पहला यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। यूनियन गवर्नमेंट को तो केंद्र सरकार कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में आ गए। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार कहेंगे, इसमें जो राज्यों के अंदर सरकार चल रही है, जिनका वास्तविक हेड, रियल हेड मुख्यमंत्री होता है हर राज्य में, वो राज्य सरकार हो गई। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार यानी कि लोकल सरकार। ये क्या है, राज्य के अंदर आपने देखा होगा प्रधान सरपंच, प्रधान सरपंच, सरपंच और पार्षद, पार्षद यानी कि वार्ड काउंसलर, ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, रूट लेवल की, ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जमीनी स्तर की सरकार। तो सरकार देश में तीन स्तर पर काम कर रही है, इसे ही हम कहेंगे थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय सरकार। भारत में तीन स्तर पर सरकार चलती है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय सरकार कहते हैं, थ्री टीयर सिस्टम यानी कि पहला टीयर, पहले स्तर पर यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे लेवल पर लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा यहां तक। सुनीता जी, समझ आ रही है ना चीजें, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, आगे इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है क्लास में, ठीक है जी। आगे चलें, अब कुछ अदर टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, अदर टॉपिक्स इस इंडियन पॉलिटी में, अदर टॉपिक्स, कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को दिए हैं, भारत के नागरिक को, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें पढ़ना है यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके बारे में हमें पढ़ना है यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व डिटेल में पढ़ेंगे हम, परेशान मत होना। राज्य के नीति निदेशक तत्व, शॉर्ट में इसको बेटा डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी सुना होगा आपने, ठीक है। फिर है इलेक्शन कमीशन जो भारत में चुनाव करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो भारत में चुनाव करवाता है सभी लोगों के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, इसी के साथ हम देख लेंगे स्टेट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो राज्य के अंदर चुनाव करवाते हैं, उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कमीशन कहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। कीर्ति जी आप क्लास में नहीं हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और फिर लास्ट में देखेंगे हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो देखेंगे, महत्वपूर्ण संशोधन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 368 में कही गई है। आर्टिकल 368 परमिशन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। क्लियर है बेटा? तो ये आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ में सिलेबस है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। मैं शुरुआत से एक बार बता देता हूं आपको, पॉलिटी को हमने देखा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अरस्तू की एक किताब द पॉलिटिक्स से, क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, कंपैरिजन किया और आपके सामने पॉलिटी की शुरुआत की। और हम वहीं से जानते हैं कि द पॉलिटिक्स से पॉलिटी की शुरुआत हुई है। आगे फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है, और किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उस कंट्री में एक लॉ होता है जिसे संविधान कहा जाता है, और ये उस धरती का, उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। और गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं वो तीन होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। जहां हमने देखा लेजिस्लेचर का काम कानून बनाने का होता है, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम कानून को इम्प्लीमेंट करने का होता है, जुडिशरी का काम चेक करने का होता है और जस्टिस प्रोवाइड करने का होता है। फिर उसके बाद हमने लेजिस्लेचर को थोड़ा सा और ब्रीफ में देखा। लेजिस्लेचर सेंटर के लिए अलग होती है, स्टेट के लिए अलग होती है। सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऐसा आर्टिकल 79 में कहा गया है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी या सांसद कहा जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा या सांसद कहा जाता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को मेंबर को एमएलसी कहते हैं। अब फिर हमने देखा दो कॉन्सेप्ट, बाई कैमरल सिस्टम और यूनी कैमरल सिस्टम। तो बाई कैमरल सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं, किसी कंट्री में बाई कैमरल सिस्टम है या यूनी कैमरल सिस्टम है, इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है कि उस कंट्री में कितने हाउस काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पर इंडिया में दो हाउस काम कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि दो हाउस काम कर रहे हैं, तो बाइकैमरल सिस्टम हो गया सेंटर में। स्टेट में मूव करते हैं तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो हाउस हैं, लेकिन सिर्फ छह राज्य हैं ये जहां पर ये दोनों हाउस काम करते हैं। तो इन छह राज्यों के सिस्टम को बाइकैमरल सिस्टम कहेंगे। इसके अलावा जो राज्य बचे वहां सिर्फ एक हाउस बचता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन राज्यों की व्यवस्था को हम यूनी कैमरल सिस्टम, एक सदनी व्यवस्था के नाम से जानेंगे। क्लियर है? तो
उसके बाद हमने देखा एग्जीक्यूटिव के भी दो पार्ट होते हैं। सेंटर लेवल के लिए एग्जीक्यूटिव अलग होती है जो इंडिया लेवल पर लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव अलग होती है जो स्टेट के अंदर लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद है ना, और इसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं जिसे भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है या सरकारी वकील कहें केंद्र सरकार का। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर वही गवर्नर शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद शामिल होते हैं, और राज्य का सरकारी वकील जिसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहा जाता है। क्लियर है? अब मंत्री भी बेटा तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री, इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर ये सबसे टॉप रैंक पर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर जो है डेप्यूटी मिनिस्टर आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर आ जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जिसे एमओएस कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरे अगले हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। ये हम बात करेंगे आगे। ये चार प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर जुडिशरी के बारे में हमने डिस्कस किया। जुडिशरी पूरी इंडिया के लिए एक होती है, इसे हम केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नहीं बांट सकते। तो इन इंडिया वी हैव अ सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर आएगा, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा। वहीं फिर हमने बात की कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल पर काम करती है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है तीन लेवल पे काम करती है। सेंट्रल लेवल पे जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल पे जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल लेवल पे जिसे स्थानीय सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो रियल हेड होगा सरकार का वो प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में जो रियल हेड होगा सरकार का उसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट में जो रियल हेड होगा गवर्नमेंट का वो प्रधान, सरपंच, पार्षद, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा अन्य टॉपिक हमने देखे जो हमें पढ़ने हैं इसी सीरीज में, पॉलिटी वाली सीरीज में। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाते हैं भारत में और राज्य में वो, और कुछ अभी तक जब से संविधान बना है, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है तब से लेकर आज तक कितने इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी परमिशन आर्टिकल 368 देता है, वो हम इंपोर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे। इतना पढ़ना है आपको इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।